वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसे कितना जल्दी बना पा रहा हूँ और आप भी चाहे तो इस वीडियो को देखकर इतना जल्दी सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ गाइज कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, देन प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें हमें 1 मिलियन तक अचीव करने में। अगर आपको ये वीडियो रियली में हेल्प करती है देन प्लीज़ ऑनेस्टी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि यार हमें आपका सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी। इफ यू वॉन्ट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश देन प्लीज चेक आउट ऑन द डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप आसानी से इजीली प्लांट सेल का ड्राइंग बना सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ गाइज कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, देन प्लीज इसे लाइक और शेयर करना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। राइट गाइज, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइट वे में। हम लोग यहाँ पे हल्के से इसे ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे इसे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल गाइज, इसीलिए। अब गाइज हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे मैकेनिकल पेंसिल और सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक लाइन इस तरह से। सो गाइज मुझे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ईजिली इसे बना सकते हैं। देन हम लोग गाइज यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब हम लोग गाइज यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे टच कराएंगे। उसके बाद फिर से हम लोग फोल्ड करेंगे उसे, और उसके बाद यहाँ से फोल्ड करने के बाद और एक फोल्ड करेंगे एंड देन लास्ट वाले में मिला देंगे। मैंने जहाँ तक देखा है गाइज ये डायग्राम पूरा इजी है, सो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहे। उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पे इसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देन बस आगे ऐसा ही करते जाएंगे गाइज। मैं बता दूं गाइज कि मैंने आपके लिए स्पेशली क्लास 9 एंड 11 के लिए ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे प्लांट सेल तो आपने देखा ही है लेकिन एनिमल सेल का भी और ढेर सारे। सो प्लीज़ चेक करें डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया है। और अगर आप क्लास 12 में हैं तो उसका भी कुछ लिंक्स वहाँ पर दिया हुआ है, सो प्लीज़ चेक करें जल्दी से। और आप चेक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में, जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप GIF प्लस इमेजेस मिलेंगे, जिसमें आपको इसका इजी स्टेप बताया गया है। सो चेक करें हमारे वेबसाइट को भी। इसके बाद गाइस हम लोग यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से एंड देन यहां पे फोल्ड कर देंगे। सो इसी तरह से गाइस हम लोग हर फोल्ड में इसे ड्रॉ करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो गाइस तो आप इस वीडियो को रोक कर मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं, क्योंकि गाइस मैं चाहता हूँ आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके मेरे साथ बनाएं, ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो सके और आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पिक अप योर पेंसिल एंड अ पेज, स्टार्ट इट नाउ गाइज। गाइज हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसी के ऊपर में और इसे हम लोग कवर करेंगे, जो हम लोगों ने फोल्ड में ये लाइन ड्रॉ किया था बस इसी को हम लोगों को कवर करना है। सो इसके ऊपर से हम लोग यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे इसी के पैरेलल, मतलब आपको सीधा सीधा बनाना है इसमें गाइज, और ये बहुत ही ईजी है। सही गाइज हम लोग आगे भी बना के इसे कम्प्लीट कर लेंगे जल्दी से। सो गाइस आपने जहाँ तक अभी बनाया है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे आउटर कवरिंग को, देन हम लोग अंदर के हर एक पार्ट को बनाएंगे गाइस। आपने गाइस देखा होगा ये क्लास 9 में भी है और क्लास 11 में। सो आपको जो नेमिंग यहाँ पे मैं लेबल करूँगा उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप इसे क्लियरली देख लें अपने बुक में कि कौन कौन सा नेम है। मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रॉ करूँगा नेम, क्योंकि ये क्लास 11 में भी है। सो मैं चाहता हूँ बहुत स्टूडेंट को हेल्प करूं, और ऐसा ही ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए गाइस अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। अब गाइस हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर से, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कमफेरेंस का यूज़ किया है गाइस। इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा अब क्योंकि मैंने एक सर्कल बनाया था उसके बाद ये डायग्राम। सो इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे सर्कल का यूज़ किया था, ताकि आपको इजीली से मदद मिल सके और हम लोग इसे इजीली से रिमेम्बर भी रख सके गाइस। अब गाइज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियस इनवेलप। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो मैंने यहाँ पे एक मिनिमम साइज़ यूज़ किया है, इसको मैं आपको मेज़र करके भी यहाँ पे दिखा दिया हूँ। तो इस तरह से गाइज हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसी के अंदर न्यूक्लियस को भी बनाएंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद गाइज यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं
मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हूँ इसे, उसके बाद एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ चारों ओर इस सर्कल के, आप देख सकते हैं इसे क्लियरली। तो इस तरह से आर्क ड्रॉ करने के बाद गाइस हम लोग और एक थोड़ा सी इंक्रीज़ करेंगे, और उसके बाद आर्क के पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये बहुत ही इजी है गाइस, आपको सिंपली थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है बस। उसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पे फिर इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा सा, ये भी आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस इस तरह से। जनरली गाइस रफ इंडियो प्लास्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है जो मैं चारों ओर ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस तरह से गाइस हम लोग रफ इंडो प्लास्मिक रेटिकुलम को कंप्लीट कर लेंगे। देन गाइस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैकेनिकल पेंसिल, और यहाँ पे इसे हाफ करूँगा इस सर्कल को, एंड देन कंप्लीट करूँगा इस न्यूक्लियस और रफ इंडो प्लास्मिक रेटिकुलम को। तो आप देख सकते हैं गाइस इस तरह से मैं रफ इंडो प्लास्मिक रेटिकुलम के चारों ओर कंप्लीट कर रहा हूँ। देन गाइस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियस को, सो देखते रहे गाइस मेरे साथ जुड़े रहें आप। और इस तरह से हम लोग पहले इसे हाफ कर लेंगे, देन हम लोग इस तरह से यहाँ से दिखाने के लिए इसे बनाएंगे, एंड देन बुक को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद गाइज हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस को ड्रॉ कर लेंगे इसके बीचों बीच में। अब गाइज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वैक्यूल को, इसके लिए मैं यहाँ पे इसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद नीचे वाले के पैरेलल में वैसा ही। आप इसे क्लियरली देख सकते हैं गाइज अपने बुक में भी, अब यहाँ इस साइड के पैरेलल में। तो इस तरह से गाइज हम लोग बनाने के बाद यहाँ पे इस तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे मिला देंगे। अब गाइज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पैरोक्सिज्म, जैसे आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है बुक में। देन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एक वाइट टाइप स्ट्रक्चर रहता है, तो इसी को हम लोग छोटा छोटा बना देंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक में थोड़ा सा अंतर है गाइज, रफ एंडोप्लाज्मिक में थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल सर्कल रहता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में वो नहीं रहता है। तो बस उसी को हम लोग को यहाँ दिखाना है गाइस, ये रफ एंडोप्लाज्मिक है इसीलिए हम लोग यहाँ पे सर्कल बना लेंगे। ये डिटेल में क्लास 11 में है गाइस, आपके 9 में ये कम ही नाम से होगा। इफ़ यू इन क्लास 9 देन प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज मैं इसे डिटेल में बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्लास 11 के स्टूडेंट को भी मदद कर सकूँ अपनी ओर से। गाइज हम लोग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, इसके लिए गाइज सिंपली हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, एंड देन यहाँ पे पेंसिल से डार्क करते हुए एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ करके इजिली से माइटोकॉन्ड्रिया को बना लेंगे। अब गाइज हम लोग यहाँ पे राइबोसोम्स को बनाएंगे, सो इसके लिए मैं यहाँ पे 3 डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। देन गाइज हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कम्प्लीट कर लेंगे, और यहाँ पे लाइबोसोम्स को बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पे गोल्गी अपरेटस को बनाने के लिए 3 सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसे कंप्लीट कर लेंगे। पैरोक्सिज्म और लाइसोसोम्स में थोड़ा सा अंतर है गाइज, लाइसोसोम्स थोड़ा सा बड़ा होगा इस तरह से। अब गाइज हम लोग यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को बनाएंगे जो क्लास 9 के बुक में दिखाया गया है, बस उसी को हम लोग को यहाँ पे बनाना है गाइज। इस तरह से बनाने के बाद गाइज हम लोग इसके अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं बस उसी को ईजिली से बना देंगे, एंड देन इसे कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अब गाइज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे माइक्रो ट्यूबल, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक डार्क लंबा सा है, सो उसी का नाम है माइक्रो ट्यूबल। आपको तो पता ही होगा गाइज कि प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता, तो अगर आपको ऐसा डिफरेंस चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और मेरे वेबसाइट में, वहाँ पर मैंने इसे अपलोड किया है गाइज। और उसके बाद हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा डिटेल में कंप्लीट कर रहा हूँ गाइस, अगर आप चाहे तो इसे जितना आपके बुक में दिया हुआ है उसे शॉर्ट में बना के कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डबल और ट्रिपल दिखाया आज पर बुक, लेकिन मैंने जो फर्स्ट में बनाया गाइस आप उस वैसा ही बना के लेवल कर सकते हैं नेम, उससे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे गाइस। और सिंपली आप देख सकते हैं अपने बुक में कौन कौन सा नाम लेवल करना है, तो बस उसी को आप ड्रॉ करें, इससे आपको मार्क्स भी मिलेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा, जिसके मदद से गाइस आप ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं टाइम को बचाते हुए। सो मैं आशा करता हूँ गाइस कि आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ इस वीडियो में अच्छा रहा होगा। देन प्लीज़ गाइस लाइक करना और शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो अब गाइस हम लोग यहाँ पे लेवल करेंगे नेम, इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली एरोज ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस। देन गाइस हम लोग यहाँ पे खेलेंगे एक छोटा सा गेम जिसमें आपको बताना होगा मेरे से पहले नाम, अगर आपने लर्न किया है तो, अगर आपने लर्न नहीं किया तो मेरे प्रोनाउंस करने के बाद आप इसे बोल सकते हैं मेरे साथ, इससे आपको लर्न भी होगा गाइस,
तो मैं ऐसा करता हूँ गाइस कि ये गेम आपको रियली में हेल्प करेगा रिमेम्बर करने में सारे नेम्स, क्योंकि हम लोग इसे स्पेशली भूल जाते हैं। आप चाहे तो गाइस यहाँ पे पॉज करके इस एरोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बनाया है इसे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले दिस गेम गाइस। सो जल्दी से बताओ सबसे पहले कौन सा है यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हैं एरोज़ क्लोरोप्लास्ट। ओके गाइस, इसको हरित लवक कहा जाता है हिंदी में। सो नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोलस, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज गाइस इट्स गॉल्गी अपरेटस, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज गाइस इट्स न्यूक्लियर इनवेलप। सो जल्दी से बताओ अगला कौन सा है। दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद वैक्यूल, देन आफ्टर गाइस लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट मिडल लेमेला, देन गाइस बताओ जल्दी से अगला कौन सा है। दिस वन इज सेल वॉल, लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट, सो इट्स माइटोकॉन्ड्रियन। इसके बाद बताओ गाइस अगला कौन सा है। दिस वन इज राइबोसोम्स, देन गाइस जल्दी से बताओ अगला कौन सा है। दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट, हम लोगों ने आगे ही लिख चुका है इसका। सो आफ्टर दिस वन इज साइटोप्लाज्म, लेट मी नो वॉट नेक्स्ट गाइज, सो इट्स प्रोक्सिज्म, नाउ टेल मी वॉट नेक्स्ट। सो गाइज दिस वन इज माइक्रोट्यूब्यूल, नाउ टेल मी गाइज वॉट नेक्स्ट, सो इट्स प्लास्मोडेस्माटा, देन आफ्टर गाइज इसके बाद क्या है। दिस वन इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके बाद ये है लाइसोसोम्स, उसके बाद गाइज सबसे लास्ट में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप गाइस आपको इसमें मज़ा आया होगा। सो मैं आशा करता हूँ गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, देन प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर ले, ताकि ऐसा ही ढेर सारे वीडियो आपको मिलते रहें। बेस्ट ऑफ लक, माई बेस्ट विशेस ऑलवेज विथ यू, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।